और चले भाई ये बात करते हैं यात्रा पर जाने के लिए आपके लिए कौन सा रूट बेस्ट रहेगा। जैसे कि जम्मू से अमरनाथ की दूरी करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा है, कौन सा रूट अच्छा रहेगा आपके लिए जाने के लिए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जय बाबा बर्फानी। आतंक की खत्म कहानी, घाटी में बम बम की गूंज। अब यात्री पूरी तरह महफूज। बम बम भोले के उद्घोष, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त से मिलेगा संतोष। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, आतंकी कोई नापाक हरकत ना करें, इसीलिए चप्पे चप्पे पर जवान सीना ताने खड़े हैं। किसी ने भोले के भक्तों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो पलक झपकते ही हमारे सुरक्षा बल इस दुनिया से उनका कनेक्शन तोड़ देंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंच गए हैं। इस बार केंद्र का फोकस यात्री सुविधा बढ़ाने पर है। पूरे रूट पर खान पान, रुकने और हेल्थ चेकअप की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की योजना बना ली गई है। पहले पहलगाम से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा मार्ग 3 से 4 फीट तो बालटाल वाला रूट 2 फीट ही चौड़ा था, अब इसे 14 फीट तक चौड़ा किया गया है। पिछली बार 4.5 लाख श्रद्धालु आए थे, इस बार आंकड़ा 6 लाख तक जा सकता है। इस बार यात्रा कम दिनों की है, इसीलिए भीड़ ज्यादा रहेगी, इसीलिए इंतजाम भी ज्यादा किए जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बालटाल से गुफा तक का 14 किलोमीटर रूट 7 से 12 फीट तक चौड़ा हो गया है। ये मोटरेबल रोड है। हालांकि अभी सिर्फ बीआरओ और सेना की गाड़ियों को ही इजाजत मिली है, इमरजेंसी में इसी का इस्तेमाल होगा। पिछली बार दोनों रूट पर करीब 60,000 जवान तैनात थे। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाली अर्ध सैनिक बलों की सभी 635 कंपनियों को वोटिंग के बाद इस यात्रा में तैनात किया गया है। 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के साथ समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर खास फोकस, आधार शिविरों से लेकर पवित्र गुफा की ओर जाने वाले प्रत्येक यात्री को चिप लगा एक आईडी कार्ड दिया जा रहा है। बिना आरएफआईडी कार्ड के किसी को भी यात्रा के आधार शिविर, बालटाल या पहलगाम से यात्रा करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है। श्राइन बोर्ड ने इसके लिए यात्रा के दोनों रूट पर सभी प्रमुख पड़ावों पर आरएफआईडी कार्ड रीडर मशीनों को लगा दिया है। इन मशीनों का संचालन करने के लिए बाकायदा यहां स्टाफ की भी तैनाती की गई है। जैसे ही अमरनाथ यात्री कार्ड के साथ विभिन्न पड़ाव में लगी इन मशीनों के 15 मीटर के दायरे से गुजरते हैं तो ये मशीनें स्वयं यात्री की जानकारी जुटा लेती हैं। इतना ही नहीं, ये भी पता लगा लेती है कि अब तक कितने यात्रियों ने किस पड़ाव को पार कर लिया है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पर इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक यात्री की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। तीर्थयात्रियों को 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिला है। तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले जानवरों तक का इंश्योरेंस है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से
बेस कैंप तक की सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा पूरा जो ट्रांजिट कैंप है उसमें 5,000 की कैपेसिटी है, और उनको कंफर्टेबल स्टे रहने के लिए हमने पूरी तैयारियां की है, चाहे रहने का इंतज़ाम हो, पानी का इंतज़ाम हो, खाने का इंतज़ाम हो, तो उसको पूरा उनका जो ये पिलग्रिमेज है, उनका जो ये यहाँ स्पिरिचुअल विजिट है, वो हमें बरकरार रखना है, जैसे पहले भी करते आ रहे हैं। कश्मीर इस चीज़ के लिए माना जाता है, यहाँ पर जो हमारे जो पूरा जो लोग हैं हमारे जो पूरे कश्मीर के और श्रीनगर के आसपास, वो इसको वेलकम करते हैं। जिस तरह लोकतंत्र के महायज्ञ यानी लोकसभा में घाटी में वोटिंग हुई, उसे देखकर हताश और परेशान हो चुके आतंकी नापाक हरकत की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार न भोले के भक्त रुकने वाले हैं, ना सुरक्षा बल। भक्त दर्शन का इतिहास रचेंगे और सुरक्षा बल आतंकियों की साजिश विफल करेंगे।